हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूँ, आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का कुछ डेटा रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। अब इस पर अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और एक शॉर्टकट की मेरे साथ बोलते चलिए Alt+HBA, तो ये पूरा बॉर्डर लग जाता है, आप देख सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं, अगर आप फिल्टर यूज करना चाहते हैं तो आप प्रेस कीजिए Alt, फिर D, फिर F, फिर F। जैसे ही Alt+DFF प्रेस करेंगे, जैसे ही Alt+DFF प्रेस किया तो आपने देखा कि ये फिल्टर लग गया है। अब यहाँ से हम कुछ फिल्टर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर जाते हैं, कुछ नाम को हम फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, ये फिल्टर कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको दिख रहा है लास्ट वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 6, तो इसी का मार्क्स चाहिए और यही पूरा चाहिए हमें फिल्टर डेटा। तो आप क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पर चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए तो वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि केवल 75 आया हुआ है, बाकी सब तो गायब हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ और हो सकता है कि ये भी आपके काम आए। तो यहाँ पर आप इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और इस वाले सेल को भी, इधर भी जो आपका कॉलम है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है आपको, Ctrl+R प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेम डेटा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आई होप की बात समझ में आई होगी ये शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है।